16. सिटीजन क्लब में हैं और हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन किसी गेम्स में मशरूफ़ हैं, थोड़ा बताएंगे क्या गेम है ये? हमारी जो सीनियर सिटीजन सोसाइटी है जी, वो इस क्लब को रन करती है। इसमें हमारे अभी 84 मेंबर बने हैं और अभी हमने करीब 3 महीने पहले इस क्लब को एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू किया है। आज हमारा यहाँ पर पहला क्लब का प्रोग्राम है जिसको हम लोग तंबोला कहते हैं जी, जिसमें नंबर्स का गेम है और इसमें डिपेंडिंग ऑन लाइंस है या हाउस है, इस तरह का गेम ज़्यादातर जनता इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है और इसमें बहुत लोग शौक से खेल रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि वो आज का दिन बहुत एंजॉय करके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसके बाद एक चाय पानी का भी प्रोग्राम है सामने। इसमें सेक्टर 21 ए के ही लोग भाग ले रहे हैं या बाहर से भी हैं? ये जो सोसाइटी है जी, ये यहाँ पर पूरे जो हमारे सराउंडिंग सेक्टर्स हैं 21 ए बी सी डी सेक्टर 44 45 46 इसके सारे लोग यहाँ के मेंबर बन सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसी एक्टिविटी को देख के लोगों का शौक बढ़ेगा कि यहाँ पर आएँ और एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करें। माथुर जी, इसके अलावा और क्या फैसिलिटी आप लोग देते हैं सीनियर सिटीजन क्लब के? हमने एक कार्ड रूम बना रखा है जहाँ पर अभी लोग बाग आके रमी वगैरह खेलते हैं और कुछ लोगों ने बताया है कि वो आके यहाँ ब्रिज भी खेलना शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारा एक रीडिंग रूम है जिसमें हम अपनी बुक्स ऐड कर रहे हैं हल्के हल्के और अखबार वगैरह मंगाना शुरू कर दिया है। हमारे पास कैरम के सेट्स हैं और इसके अलावा छोटे मोटे गेम जैसे लूडो स्नैक्स एंड लैडर्स वगैरह भी रखना शुरू कर दिया है। ये तो गेम्स के बारे में है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक मेडिकल रूम बनाया है जहाँ पर हम हल्के हल्के मेडिकल फैसिलिटीज जैसे ब्लड टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जा सकता है और इसके अलावा हम यहाँ पर किसी डॉक्टर को भी बोलेंगे जो हफ्ते में एक दो दिन आके जो भी सीनियर सिटीजन है उनको आके उनकी मदद करें। इसके अलावा यहाँ पर फरीदाबाद में एपेक्स बॉडी बनी है जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए एक पुलिस वालों का मदद की वो जरिया है जिसके 2 एपेक्स बॉडी के मेंबर हमारे सीनियर सिटीजन सोसाइटी के भी यहाँ मेंबर बने हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम जितने भी यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं आने के टाइम में उनको वो सुविधाएँ प्राप्त कर पाएंगे जिसकी उनको आवश्यकता है।